नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल स्टडी अड्डा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। चलिए धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है, कल परसों जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है 5 मार्च को, उससे रिलेटेड है। तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करिएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चंस तो आपके आने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी करिएगा कि ज़्यादा नहीं है, 12 या 13 क्वेश्चंस हैं, तो इनको एकदम रट डालिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो द शेप ऑफ वाटर, ये जो अवार्ड हुआ है ये द शेप ऑफ वाटर के ही नाम था। द बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसे ही मिला है, द शेप ऑफ वाटर। बेस्ट डायरेक्टर गेरेमो डेल तोरो, ये द शेप ऑफ वाटर के ही डायरेक्टर हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गैरी ओल्डमैन, ये डार्केस्ट टावर के लिए मिला है। इनकी मूवी थी डार्केस्ट टावर, इसके लिए इनको मिला है गैरी ओल्डमैन जो है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मकडोरमड को 3 बिलियन्स एविंग मेजोरी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? फ्रांसिस मकडोरमड 3 बिलियन्स एविंग मेजोरी के लिए, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है सेम रॉकवेल सेम मूवी के लिए 3 बिलियन्स एविंग मेजोरी के लिए, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है एल्सन जेनी को आई तान्या के लिए, किसके लिए? आई तान्या के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है एल्सन जेनी को आई तान्या के लिए। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ये तो बहुत पूछता है कि ये उस मूवी को अवार्ड दिया जाता है जो उस कंट्री से अलग होके अच्छा करती हैं, ठीक है। तो यह मिला है अ फैंटास्टिक वुमेन, डायरेक्टर सेबेस्टियन लेलियो, ठीक है। अ फैंटास्टिक वुमेन, डायरेक्टर सेबेस्टियन लेलियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है रिमेंबर मी, सिंगर है कोको, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है रिमेंबर मी, सिंगर है कोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला है रॉजर्स और डिकेंस ब्लेड रनर 2049 के लिए, ठीक है। ब्लेड रनर 2049 के लिए रॉजर्स डिकेंस को मिला है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है ली स्मिथ, किसके लिए? डनकर्क के लिए। डनकर्क के लिए ली स्मिथ को बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, यह इक्रेस मिला है, डायरेक्टर है इसके ब्रियान फोगल, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्रस्ट, डायरेक्टर है ब्रियान फोगल। प्रोडक्शन डिजाइन पॉल डेनहम ऑस्टरवेरी और सेन बियाओ, ये मिक्सअप मिला है शेप ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। पॉल डेनहम ऑस्टरवेरी और सेन बियाओ को। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म मिला है डियर बास्केटबॉल, डायरेक्टर ग्लैन किन को, किसको? डियर बास्केटबॉल, डायरेक्टर ग्लैन किन है इसके, ठीक है। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म डियर बास्केटबॉल, डायरेक्टर ग्लेन किन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से रख लीजिए। 12 या 13 क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये सबसे करंट का जीके है जो आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आपका ALP टेक्नीशियन या ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम जो आ रहे हैं करंट में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको रख डालिएगा और मेरा चैनल स्टडी अड्डा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।